हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डायफ्रेक्शन एट ए स्ट्रेट एज, यानी कि फ्रेजनल की क्लास में हम ये डायफ्रेक्शन पढ़ेंगे, वो भी स्ट्रेट एज की। यहाँ पे स्क्रीन पर एक डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम में ये जो है वो स्ट्रेट एज है, जो कि ठीक किसी एग्जांपल के तौर पे आप ब्लेड का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर मैं कहूँ मान लिया ये कोई एक ब्लेड है जिसमें ये जो एज है, जो ये ऊपर वाला जो सिरा है वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही पेन है ब्लेड की तरह। और ये रीजन जो है, मान लिया अगर वेव फ्रंट इधर से आ रहा है अगर, तो वो वेव फ्रंट जब इस एज से टकराएगा यानी ठीक इस प्रकार ये, और ये जो वेव फ्रंट जब यहाँ से टकराएगा उसके बाद में जो है ज्योमेट्रिकल शेडो के नियम से ये जो पोर्शन है पी के जो नीचे का पोर्शन है वो क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, और पी के ऊपर का पोर्शन क्या होना चाहिए, पूरा ब्राइट होना चाहिए, मतलब चमकीला होना चाहिए। यहां पर एस जो है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, यहां पर डब्ल्यू और डब्ल्यू डैश जो है वो एक स्पेरिकल वेव फ्रंट है, और ई एफ जो है ये आपकी स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन है, एस ओ जो है ये आपका सोर्स की उस स्ट्रेट एज से डिस्टेंस है ए, और स्ट्रेट एज से स्क्रीन की डिस्टेंस हमने बी मानी है, और ओ डी आपका ये वाला ओ डी आपका स्ट्रेट एज है। हम लोग इसके इफेक्ट निकालें तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन रीजन है। पहला रीजन तो है पी के ऊपर वाला रीजन जो कि चमकदार रीजन है। यहां पर डायफ्रेक्शन का क्या पैटर्न होगा या किस पॉइंट पर ब्लैक या व्हाइट फ्रिंज बनेगी। दूसरा है सामने वाला पॉइंट पी, इस पर डायफ्रेक्शन कैसे बनेगा, ये पी पॉइंट डार्क होगा या ब्राइट होगा हमें कैसे पता लगेगा। और तीसरा रीजन है पी से नीचे वाला पी वन तक वाला, ये डार्क रीजन है, मतलब यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं आनी चाहिए। तो वन बाई वन अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो पी पॉइंट है इसके ऊपर इंटेंसिटी क्या होगी। इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी उसके लिए जो वेव फ्रंट आ रहा है वो आ रहा है डब्लू, डब्लू डैश वेव फ्रंट आ रहा है, और डब्लू और डब्लू डैश वेव फ्रंट में से ये आधा वेव फ्रंट जो है वो इस एस द्वारा ब्लॉक कर लिया गया, यानी कि टोटल वेव फ्रंट वो है W, W डैश है, और W और O और W डैश जो है वो ब्लॉक कर लिया गया है, यानी कि O W डैश ब्लॉक बाय एज, इस एज द्वारा ब्लॉक कर लिया गया। P पॉइंट पर हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, उसके लिए पोल क्या होगा, O होगा, और यहां पर केवल हमें हाफ वेव फ्रंट ही मिलेगा, मतलब W से O वाला ही वेव फ्रंट P के ऊपर हमें मिलेगा। और मान लिया W O वेव फ्रंट है, उसके कारण जो है P पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी मिलेगी, तो हम क्या करते हैं W O को हम हाफ फ्रेनल हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि वी डिवाइड W O वेव फ्रंट इंटू हाफ फ्रेनल फ्रेनल इंटू फ्रेनल हाफ पीरियड जोन। हम इसे अगर हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा किसी भी पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए तो वो क्या होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड एट पी पॉइंट वो क्या होगा,
इस वेव फ्रंट को हमने हाफ पीरियड जोन्स में बांट दिया है, तो जो ई पर पहुंचने, जो पी पर पहुंचने वाला वेव, जो हाफ पीरियड जोन्स होंगे वो किस प्रकार होंगे, वो इस प्रकार होंगे, E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 एंड सो ऑन। इसका डिस्कशन मैंने एक प्रीवियस एक की लेक्चर में भी इसका डिस्कशन किया था मैंने, और इसका जो फाइनल जो आउटकम होगा वो भी हमने एक लेक्चर में यहाँ पर निकाला था, और वो जो आउटकम था वो ठीक इस प्रकार था कि जो E0 है वो सिमिलर, वो लगभग किसके बराबर होगा, E01 बाई 2 के बराबर होगा, ये लगभग इसके बराबर होगा। और यानी कि इस बचे हुए वेव फ्रंट से P पर जो एम्पलीट्यूड पहुंचेगा वो पहले हाफ पीरियड जोन के हाफ के बराबर होगा, और इस पॉइंट पर हम अगर इंटेंसिटी निकालेंगे हम अगर तो वो क्या निकालेंगे, इस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी निकालेंगे अगर तो वो क्या होगी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा, यानी कि वो होगा E01 by 2 का स्क्वायर इक्वल टू E01 स्क्वायर अपॉन 4। ये हमें इंटेंसिटी मिलेगी P पॉइंट पर इस OW स्फेरिकल वेव फ्रंट से। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है कि हमें अब इंटेंसिटी निकालनी है किसी भी ऐसे पॉइंट पर जो P और P2 के बीच में हो, यानी कि हम इंटेंसिटी कहाँ निकाल रहे हैं, हम किसी भी चमकदार क्षेत्र में इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो मान लिया मैंने पी पॉइंट जो लिया है वो इस प्रकार एडजस्ट कहीं लिया है मैंने, मान लिया मैंने यहाँ ले लिया स्क्रीन पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट पर मैं इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ जो कि चमकदार रीजन है, यानी कि इंटेंसिटी एट पॉइंट पी टू, और इस P2 पॉइंट के लिए जो पोल क्या होगा वो O2 होगा, इस P2 पॉइंट के लिए O2 इज पोल ऑफ P2 पॉइंट, ठीक है, यहां हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस P2 पॉइंट पर हम जब इंटेंसिटी निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर पूरा वेव फ्रंट तीन भागों में डिवाइड हो गया। पहला तो हो गया W से O तक, O2 तक का, क्योंकि ये O2 क्या है, पोल है, और अगला क्या हुआ, O2 से O तक का जो कि अलाउ जोन है, और फिर अगला O से W' तक का, यानी कि वेव फ्रंट क्या होगा, वेव फ्रंट होगा वो होगा W से O2 तक प्लस O2 से O तक प्लस O से W' तक, ये तीन वेव फ्रंट होंगे। इसमें से जो ओ डब्ल्यू डैश जो वेव फ्रंट है वो तो पूरा को पूरा ब्लॉक कर लिया गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, नेगलेक्ट होगा। तो कौन से दो वेव फ्रंट बचेंगे, एक तो बचेगा ओ टू और ओ बचेगा, एक बचेगा ओ टू से डब्ल्यू वेव फ्रंट बचेगा। फिर इस वेव फ्रंट को भी हम क्या करेंगे, हाफ पीरियड जोन में बांटेंगे, यानी किसको, ओ टू और डब्ल्यू को, यानी कि फ्रॉम वेव फ्रंट O टू W इसको हम बांटेंगे, इसका एम्पलीट्यूड क्या बटेगा, E0 बराबर सिमिलरली वही E01 माइनस E02 प्लस E03 और सो ऑन, यानी इतने से वेव फ्रंट को मैंने क्या किया, हाफ पीरियड जोन्स में बांट दिया, और इसका जो परिणाम है वो सिमिलरली इसकी तरह हमारा क्या आएगा, E01 बाई 2, यानी कि इसका जो परिणाम आएगा वो E01 बाई 2 आएगा, यानी कि ये तो किसका परिणाम आया, ये तो केवल W और O2 का, यानी कि W और O2 का परिणाम आया किसी पॉइंट के लिए, P2 पॉइंट के लिए, और एक बच गया, कौन सा बच गया, O2 से O, यानी कि ये वाला बच गया O2 से O। अब यहां पर O2 से O में जो वेव फ्रंट जो आ रहा है उसमें कितने भी जोन हो सकते हैं, इस पोर्शन में से एक जोन भी निकल सकता है, दो जोन भी निकल सकते हैं, तीन जोन भी निकल सकते हैं, वो आपका डिपेंड करता है इन दोनों की डिस्टेंस, यानी इस ए और बी सोर्स की इससे और इसकी स्क्रीन से, इन दोनों के एडजस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वहां से कितना पोर्शन निकलेगा। मान लिया
कि हमने ए और बी को इस प्रकार एडजस्ट किया कि वहां इस पोर्शन से ओ से ओ टू तक के पोर्शन में केवल वन फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन निकले, यानी कि हमने ए और बी को इस प्रकार एडजस्ट किया कि वन हाफ तक किसमें होना चाहिए, ओ ओ टू अलाउ ओनली वन हाफ पीरियड जोन, इसने एक हाफ पीरियड जोन को अलाउ किया। अगर वो एक हाफ पीरियड जोन को अलाउ करेगा तो परिणाम क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, E जीरो बराबर E जीरो बराबर ये एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि इसने एक को अलाउ किया और प्लस इसका जो परिणाम है वो ऊपर से क्या है E जीरो बना है, तो क्या हुआ ये वाला तो हो गया मैग्नेट, यानी कि इसको तो हम यहाँ से हटा देंगे, तो पी टू पर पॉइंट पी टू पर इन दोनों की वजह से क्या आया, इन दोनों की वजह से आएगा वो आएगा E0 at P2 point, E0 amplitude, वो P2 point पर क्या आएगा, एक तो ये आएगा, ये किसके कारण, इसके कारण आएगा, और इसके कारण क्या आएगा, ये आएगा, तो उसको क्या लिखूंगा, E01 by 2 plus E01 बराबर 3 by 2 E01, और इसके लिए मैं intensity क्या लिखूंगा, intensity लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा 9 by 4 E 0 1 का स्क्वायर, ये हमारी इंटेंसिटी आई, यानी कि यहाँ पर जो P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आ रही थी वो क्या रही थी, E 0 1 स्क्वायर by 4 आ रही थी, और यहाँ पर हमारी इंटेंसिटी क्या रही है 9 by 4 E 0 1 स्क्वायर, किस पॉइंट पर, इंटेंसिटी थे P 2 पॉइंट पर आ रही इंटेंसिटी हमारी। अब हम तो ज्ञात करेंगे, वो ज्ञात करेंगे कि मान लिया कि इसने यहां तो एक को अलाउ किया, यानी इसने क्या किया वन हाफ पीरियड जोन का अलाउ किया, मान लिया हमने इन ए और बी को ऐसे एडजस्ट किया कि ये दो हाफ पीरियड जोन को अलाउ करे, ई जीरो वन को और ई जीरो टू को, यानी कि ओ ओ टू अलाउ टू हाफ पीरियड जोन, दो हाफ पीरियड जोन अलाउ किया तो वहां पे क्या आएगा आपका एम्पलीट्यूड किसके कारण, इस पोर्शन के कारण, ओ ओ टू के कारण क्या आएगा आपका, तो आएगा ई जीरो वन पहले हाफ के लिए और माइनस ई जीरो टू दो, क्योंकि इसने दो अलाउ किए हैं, ठीक है, और इन और यहां इसके कारण तो परिणाम क्या आ रहा है ई जीरो वन बाई टू, और इसके कारण दो हाफ पीरियड जोन अलाउ किए हैं, तो क्या आएगा ये वाला आएगा, दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, यानी कि पी टू पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो होगा E0 बराबर E01 by 2 plus E01 minus E02, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 3 E01 by 2 minus E02, ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और यहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, इंटेंसिटी हो जाएगी 3 by 2 E 0 1 minus E 0 2 का square, ये आपकी intensity हो जाएगी। Similarly हम मान लेते हैं कि इसने 3 allow कर दिए, पहले 1 किया फिर 2 किया, अगर 3 allow करता है तो इसका amplitude क्या होगा, वो हो जाएगा E 0 बराबर E 0 1 minus E 0 2 plus E 0 3, और इन दोनों को add करूंगा तो क्या होगा, वो होगा E0 बराबर E01 upon 2 plus E01 minus E02 plus E03, और यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा E0 बराबर, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं तोड़ के दो भागों में लिख सकता हूं, मैं इस प्रकार लिख सकता हूं E01 by 2 प्लस, इसको भी लिख सकता हूं मैं E01 by 2 cos तक में प्लस E01 by 2 minus E02 और प्लस E03 by 2 और प्लस E03 by 2, और इसको मैं अगर फर्दर यहां लिखूं अगर तो होगा वो E0 बराबर E01, ये E01 और ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे E01 हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म है ये
कैंसिल आउट हो जाएगा इस टर्म का। ये टर्म कैसे कैंसिल आउट होगा मैं भी बताता हूँ आपको। और लास्ट टर्म क्या बचेगा, लास्ट टर्म बचेगा e 03 by 2। ये टर्म कैंसिल आउट कैसे होगा, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e 01 प्लस e 03 by 2 माइनस e 02। हम इस टर्म को, इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं। हमें पता है E01 प्लस E03 by 2 है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, E01 प्लस E03 by 2 अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, E02 के बराबर होता है। और इसकी वैल्यू अपन अगर यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड क्या बचेगा आपका, ये आपका इतना आपका एम्पलीट्यूड बचेगा। और इसके लिए आप इंटेंसिटी निकालो, निकालोगे इंटेंसिटी आप निकालोगे, वो निकालोगे E01 प्लस E03 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आपकी इंटेंसिटी निकलेगी तीन दो अलाउ करने पर, एंड सो ऑन। सर किसी भी P पॉइंट या किसी P2 पॉइंट पर, जो P2 पॉइंट हमने इसमें रीजन में लिया है, उस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, ये केवल डिपेंड करता है इसके द्वारा अलाउ किए गए जोन्स पर, कि इसने इवन नंबर में अलाउ किया है या ऑड नंबर में अलाउ किया है। और इसके बाद जो लास्ट पोर्शन बच गया, हमने P डिस्कस कर लिया, हमने P2 पॉइंट डिस्कस कर लिया, अब रिमेनिंग पॉइंट बचा है P से लेकर के F तक का, यानी कि वो उस स्मॉल एज के नीचे वाले पोर्शन में। तो हम निकालेंगे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट पॉइंट P1, यानी कि इस पॉइंट पर P1 इन शैडो रीजन, इन शैडो रीजन। शैडो रीजन मतलब ये ज्योमेट्रिकली शैडो यहां पे छाया है, इसलिए यहां पर आप अगर डिस्कस करोगे P1 को, अगर तो अपना रेफरेंस इस P1 के लिए पोल क्या होगा, पोल आपका O1 होगा, यानी कि O1 इज पोल ऑफ पोल फॉर P1 पॉइंट, P1 पॉइंट होगा। और आप अगर इसको अगर देखें तो इस वेव फ्रंट को हम डिवाइड करें तो क्या होगा, वेव फ्रंट डिवाइड होगा P1 पॉइंट के लिए, वेव फ्रंट क्या होगा, वो होगा W से O1 O प्लस W से O और O से O1 O से O1 प्लस और O1 से W डैश, O1 से W डैश। ये तीन वेव, ये वेव फ्रंट तीन भागों में टूट गए, ठीक है, पहला है W से O वाला और फिर O से O1 वाला और O1 से W डैश वाला। ये जो पोर्शन है O1 से लेके W डैश, ये तो पूरा पूरा ब्लॉक कर लिया गया यहाँ पर आने पर, तो ये पोर्शन तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग दो पोर्शन बचे, एक पोर्शन बचा W और O वाला, W और O वाला, और नेक्स्ट क्या बचा, O से O1 वाला। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था, ये एक्सपोज कर रहा था यानी कि भेज रहा था, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ये पोर्शन क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। मान लिया इस O और O1 वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसने एक हाफ पीरियड जोन को ब्लॉक कर लिया। इसने कितने जोन को ब्लॉक किया, एक हाफ पीरियड जोन को ब्लॉक किया। तो यानी कि सिमिलरली लिखा जाएगा W O1 का आंसर कर देगा E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 एंड सो ऑन लिखा जाएगा। और इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो ये पोर्शन है O और O1 जो पोर्शन है, ये अगर ये वाला पोर्शन जो है, ये अगर एक हाफ पीरियड जोन को अगर ब्लॉक कर लेगा, अगर एक हाफ पीरियड जोन को ब्लॉक करेगा, यानी कि O1 ब्लॉक वन हाफ पीरियड जोन, एक हाफ पीरियड जोन को ब्लॉक करेगा, तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या लिखा जाएगा, हमारा एम्पलीट्यूड लिखा जाएगा W O1 जो एम्पलीट्यूड लिखा है वो क्या लिखा जाएगा, कि ये वाला तो इसने क्या कर लिया, पहला हाफ पीरियड जोन तो ब्लॉक कर लिया, तो एम्पलीट्यूड लिखा जाएगा माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 एंड सो ऑन, इस तरह लिखा जाएगा। और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, इसका रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो क्या बनेगा, वो होगा माइनस E02 का बाई 2। ये इसका लगभग, इसको हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है।
और यहाँ पर जो इंटेंसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, WO1 पे जो इंटेंसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी माइनस E02 का बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि वो बनेगी E02 बाई 4, ये आपकी इंटेंसिटी बनेगी। और अगर मान लिया जाए अगर कि वो अगर दो को ब्लॉक करता है, यानी कि ये जो O1 है वो दो को ब्लॉक करता है, दो का मतलब E01 और E02 को ब्लॉक करता है, तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या लिखा जाएगा, यानी कि O1 ब्लॉक टू हाफ पीरियड जोन, तो क्या होगा E01 E02 दोनों क्या हो जाएंगे लेफ्ट साइड आएंगे, एम्पलीट्यूड क्या लिखा जाएगा, WO1 क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा E03 माइनस E04 प्लस E05 एंड सो ऑन, और इसका रिजल्टेंट क्या लिखा जाएगा, WO1 बराबर E03 बाई 2 लगभग, और इसकी इंटेंसिटी क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी E03 बाई 2 और स्क्वायर। और इस प्रकार हम लोग यहां पर निकाल पाएंगे कि यहां पर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है, और इसका अगर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें अगर तो वो इस डायग्राम से हमें नजर आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये जो डायग्राम में जो फ्रिंजे बन रही हैं, इन फ्रिंजों की जो फ्रिंज विड्थ है वो हम निकालेंगे, और कौन सी फ्रिंज डार्क बनेगी कौन सी फ्रिंज ब्लैक बनेगी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम पढ़ेंगे फ्रिंज विड्थ एंड पोजीशन ऑफ डायफ्रेक्शन फ्रिंज, यानी कि यहाँ पर जो P2 पॉइंट के जो एडजस्टमेंट में हमको जो फ्रिंजें मिल रही हैं जो हमने डायग्राम में देखा था अभी, तो ये फ्रिंजों की जो साइज क्या है या कौन सी फ्रिंज डार्क होगी या ब्राइट होगी इसको हम निकालेंगे। तो हमेशा जो फ्रिंज विड्थ जो निकालते हैं हमेशा उसके लिए हम सबसे पहला काम करते हैं, हम हमेशा पाथ डिफरेंस निकालते हैं। मान लिया कि मुझे P2 पॉइंट पर फ्रिंज निकालनी है, वहाँ मेरे को ज्ञात करना है कि P2 पॉइंट पर जो फ्रिंज बनेगी वो ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी। पाथ डिफरेंस लेकर यानी कि P2 पॉइंट पर जो पहुँचने वाली जो वे है, दो वे हैं, पहला तो है एस से डायरेक्टली O2 होते हुए P2 वहां तक पहुंच जाओ, और दूसरा क्या है एस से O से P2 तक पहुंचो। और हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो A है, और ये हमारा एक स्पेरिकल है, यानी कि स्पेयर यानी गोले के अंदर हमेशा किसी भी आर्क पे चले जाइए आप त्रिज्या हमेशा सेम होती है, यानी कि ये जो पोर्शन है ये भी क्या होगा, ये भी आपका A ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पाथ डिफरेंस निकालना है, तो पहला पाथ तो क्या होगा S से डायरेक्ट O2 तक का, और दूसरा क्या होगा S से O होते हुए O से होते हुए P2 पॉइंट तक, यानी कि आपका पाथ डिफरेंस क्या निकलेगा, वो निकलेगा S O से P2 माइनस S O टू टू, और एस ओ पी टू क्या लिख सकते हो, एस ओ पी टू को लिख सकते हैं अपन एस ओ प्लस ओ पी टू माइनस, इसको क्या लिख सकते हो एस ओ टू प्लस ओ टू पी टू, और हमें पता है कि एस ओ और एस ओ टू दोनों क्या है, दोनों सेम है, तो क्या होगा ये दोनों आपस में कट जाएंगी और पार्ट डिफरेंस हमारे पास क्या बचेगा, वो बचेगा O P2 माइनस O2 P2, ये पाथ डिफरेंस है, यानी कि ये पाथ डिफरेंस है, ये अगर लैम्बडा बाई 2 यानी कि अगर वो ऑड नंबर में होता है अगर तो हमें क्या मिलेगी, ब्राइट मिलेगी, और हमें जो अगर इवन नंबर में होता है तो हमें क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। अब यहाँ पर हम OP2 को ज्ञात करेंगे, यानी कि जो OP2 है उसको हम ज्ञात करेंगे, उसके ज्ञात करने के हम देखेंगे यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री एंगल में ये जो डिस्टेंस है वो हमने एक्स मान ली है, ये डिस्टेंस हमने क्या मान ली है, एक्स मान ली है, और हमें ये डिस्टेंस निकालनी है जो कि कर्ण होगा, तो क्या होगा बी का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ओ पी टू स्क्वायर बराबर क्या होगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी पी टू का स्क्वायर, और ये किसमें है, ये राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी
पी टू में, इस ट्राइंगल में ये आइडेंटिटी है। और आप यहाँ पर देखेंगे ओ पी टू, ओ पी है जो ओ से पी बी है और वो एक्स है, यानी कि यहाँ आ जाएगा बी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और ये ओ पी टू और यहाँ पर ये रूट लग जाएगा। और यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ मैं बी स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, बी स्क्वायर को मैं कॉमन लूंगा तो रूट से निकलेगा उसका बी बचेगा और यहाँ बचेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड वन बाई टू। और यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो x है वो दूरी बहुत छोटी है एज कंपेयर टू b, यानी कि x अपॉन b है वो बहुत छोटा है वन से, दोनों अनुपात क्या, बहुत छोटा है वन से। तो हम क्या लगा सकते हैं, हम बायोनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं जो हमने पहले भी कई उसमें लगाया है, तो वो होगा बायोनोमियल एक्सपेंशन। बायोनोमियल एक्सपेंशन लगाने पर ये जो रिजल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ओ पी टू जो है वो हमें मिलेगा, वो मिलेगा बी वन प्लस वन बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और सॉल्व। और बी को अंदर ले जाने पर जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी ओ पी टू बराबर b को अंदर एंटर मारेंगे तो b प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू बी और ये हमें किसकी वैल्यू मिली, ओ पी टू की वैल्यू मिली। और हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें ओ टू पी टू की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि ओ टू और पी टू की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो आपका ओ टू पी टू जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, एस P2 minus S O2, ये अपन लिख सकते हैं S P2 minus S O2, ये अपन लिख सकते हैं। और जो यहाँ पर S P2 जो है, यानी कि S P2 की जो वैल्यू है वो अपन जो कैसे निकालेंगे, और एक है S O2, हम देखेंगे कि S O2 जो है इसकी तो वैल्यू क्या होगी, ये तो क्या होगा, ये तो A हो जाएगा। और S P2 को निकालने के लिए हम एक ट्राइंगल देखेंगे, S P2 के लिए ट्राइंगल S P और P2, इस ट्राइंगल में S P P2 इस ट्राइंगल में क्या होगा कि ये ऊपर वाला कर्ण हो जाएगा और ये आपका X आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो आइडेंटिटी क्या है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार कितना है A प्लस B, यानी इस ट्राइंगल में जो आपका एस पी टू होगा वो किसके बराबर होगा, नीचे वाले की, यानी कि एस पी स्क्वायर प्लस पी पी टू स्क्वायर, ये आइडेंटिटी वहां पे लगेगी एस से पी लगेगी। और इसको आप देखेंगे अगर तो एस पी टू स्क्वायर जो क्या होगा वो एस पी होगा ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस पी पी टू क्या होगा, वो होगा आपका x का स्क्वायर होगा। इसमें मैं a प्लस बी है वो कॉमन लेता हूं, उससे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एस पी टू बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड वन बाई टू। और इसमें a प्लस बी स्क्वायर में कॉमन ले सकता हूं, यानी कि a प्लस बी कॉमन लिया, स्क्वायर है तो अंदर से आएगा रूट से a प्लस बी बचेगा और वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। सिमिलरली हम वही कंडीशन वापस लगाएंगे, बायोनोमियल वाली कंडीशन लगाएंगे हम लोग और उसको अगेन एक्सप्लेन करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, एस पी टू बराबर ए प्लस बी वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस बी। और इसको अगर मैं अंदर ले जाऊंगा अगर तो कंडीशन क्या आएगी, तो आएगी a प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस बी, ये हमारी कंडीशन आएगी। और इसको यहां पर पुट करने पर हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ओ टू पी टू बराबर एच पी टू क्या है ये वाला a प्लस बी
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी टू और माइनस एस ओ टू, एस ओ टू क्या अपना ए के बराबर है, यानी ये आपका ए। इसे अगर फर्दर सॉल्व करें हम अगर तो क्या होगा, ओ टू पी टू बराबर ये ए से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस बी। और आपका जो ओ टू पी टू है, हमारा जो पहला जो आया था उन दोनों को पार्ट डिफरेंस को माइनस करने पर हमारा रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा वहां पर जो आया था b प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू बी माइनस दूसरा पार्ट डिफरेंस किसका आएगा, ओ टू पी टू का आएगा, वो क्या आएगा b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस बी। यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ माइनस पर रह जाएगा। इन दोनों का डिनोमिनेटर लेने पर क्या आएगा, पार्ट डिफरेंस बराबर डिनोमिनेटर के दोनों क्या आएगा, वो आएगा 2 a प्लस बी और यहाँ से 2b, मैंने टोटली ले लिया डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पर 2b का 2b हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस बी और x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2ab है तो यहाँ पर 2b लग जाएगा, x स्क्वायर 2 और b। इसको फर्दर सॉल्व करने पर जो पार्ट डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ से 2a x स्क्वायर प्लस 2b x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर b अपॉन यहाँ पर जो नीचे रहेगा वो क्या रहेगा 4a प्लस b और b रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 2b x स्क्वायर और 2b x स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर तो बचेगा वो क्या बचेगा, और यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल करके 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा a x स्क्वायर अपॉन 2 a प्लस b। और ये जो पार्ट डिफरेंस आया है, ये पार्ट डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होगा, या तो और मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाई 2 के या इवन मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाई 2 के। तो अगर मैं फर्स्ट टाइम इसको जो है वो ओड नंबर ऑफ लैम्ब्डा बाई 2 रखूंगा तो क्या होगा, ये जो पार्ट डिफरेंस है उसके लिए 2n माइनस 1 लैम्ब्डा बाई 2, ये मैंने क्या किया ओड नंबर ऑफ लैम्ब्डा बाई 2 के लिए रखा, और इसको यहाँ पर इसके बराबर रखने पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ए प्लस बी बी इक्वल टू क्या होगा 2 एंड माइनस 1 लैम्ब्डा बाय 2। और यहां पर जो एक्स है वो क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस है, और यानी कि एक्स जिस डिस्टेंस पर है वो उतने नंबर की फ्रिंज होगी। मान लिया हमें जो एन वी फ्रिंज निकालनी है अगर, तो यानी कि मैं एक्स एन वी फ्रिंज निकालूंगा अगर, तो क्या होगा यहाँ पर आएगा ये पोर्शन पूरा उधर चला जाएगा और यहाँ पर होगा 2 ए प्लस बी बी 2 एन माइनस 1 लैम्ब्डा बाय 2 अपॉन ए एक्स ए, और यहाँ पर जो 2 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मैं इसको अगर यहाँ रूट में डाल दूँ अगर तो क्या होगा x tan बराबर क्या होगा a प्लस बी अपॉन बी अपॉन a और 2n माइनस 1 लैम्ब्डा, और ये सारा का सारा पार्ट किसमें चला जाएगा रूट में, यानी कि 1/2 में चला जाएगा। और यहाँ पर देखो a और b जो है, यहाँ a और b जो है वो एक कांस्टेंट है, नियतांक है, तो यानी कि मैं इसको क्या a प्लस बी cos बी अपॉन a और लैम्ब्डा ये वाला, इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम k मान लेते हैं अगर, और ये भी 1/2 को इसको k मान लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इस प्रकार, x n बराबर जो 2n माइनस 1 रूट और k, ये फॉर्मूला इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पार्ट डिफरेंस जो है वो अगर इसकी जगह क्या ले लूँ अगर मैं 2n लैम्ब्डा बाई 2 ले लेता हूँ अगर मैं, तो क्या होगा
ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस बी कॉस्टिक बी इक्वल टू, मैंने लिया है वो लिया है 2 एन लैम्बडा बाई 2, ये मैंने पार्ट डिफरेंस ले लिया। तो इसमें क्या होगा, 2 एन से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और जो x जो है वो क्या आएगा, x स्क्वायर बराबर क्या आएगा वहां से, वो आएगा एन लैम्बडा 2 ए प्लस बी बी अपॉन ए, ये आएगा। और उसका मैं रूट निकाल दूं तो क्या आएगा, x n बराबर इसको जो है इस पोर्शन को भी हम क्या मान लेते हैं, इसको लैम्बडा ए प्लस बी बी और के इस पोर्शन को हम क्या मान लेते हैं, यहां पर ये इसका रूट निकालने पर ये जो पोर्शन सिमिलरली इसकी तरह क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो इसमें बराबर क्या बचेगा, एक्शन क्या बचेगा आपका, वो बचेगा 2 एन और के, यानी ये डार्क के लिए और ये ब्राइट के लिए। हमें निकालना क्या है, हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी है। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, व्हाइट ब्लैक और व्हाइट दो व्हाइट के बीच की डिस्टेंस होती है, वो क्या करती है फ्रिंज विड्थ कहलाती है, या फिर दो डार्क के बीच में जो फ्रिंज जो डिस्टेंस होती है वो फ्रिंज विड्थ कहलाती है। यानी कि हम पहले अगर इस ब्राइट के लिए देखें अगर, तो वो क्या होगा, वो होगा बीटा जो होगा वो यहाँ पर एन वन और एन टू के लिए, यानी कि पहली वाली ब्राइट और दूसरी वाली ब्राइट के बीच में रहेगा। तो वहां पर होगा n अगर 2 रखता हूं, यानी कि मैं रखता हूं x2 माइनस x1, तो जो बीटा होगा वो x2 के लिए, 2 के लिए क्या होगा, यहां पे 2 रखूंगा 2 into 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू रूट 3, यानी ये होगा रूट 3 के माइनस x1 के लिए, यहां पे 1 रखूंगा तो क्या होगा 2, 2 माइनस 1 इक्वल 1 और रूट 1 के, रूट 1 और k, और दोनों को मैं अगर मैं k को कॉमन लेता हूं अगर मैं, तो क्या होगा रूट थ्री माइनस वन होगा, और रूट थ्री होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.72, यानी कि के और 1.72 को मैं माइनस करता हूं 1 से तो 0.737। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए आप निकालोगे अगर, तो यानी कि वो सेकेंड जो निकलेगी ये बी वन निकल रही है, बी टू निकलेगी, वो क्या होगी एक्स थ्री माइनस एक्स टू निकलेगी, यानी कि x3 की वैल्यू अगर यहाँ पे देखोगे आप अगर 3 6 माइनस 1 क्या होगा रूट 5, यानी कि होगा रूट 5 के माइनस x2 के लिए क्या होगा 2 इंटू 4 रूट 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा रूट 3 और k, इसको क्या लिख सकते हो आप रूट 5 माइनस रूट 3 के, और इसकी जो वैल्यू है वो लगभग आएगी बीटा सेकेंड जो आएगी आएगी 0.5 के आसपास आएगी, लगभग नियर टू नियर 0.5 के नियर आएगी। आप लोग देख रहे हो कि ये ब्राइट में भी क्या हो रहा है कि पहले जो फ्रिंज है वो काफी बड़ी है, यानी कि 0.73 वाली है, इसकी जो वैल्यू कितनी है 0.73 के है, और दूसरी कितनी आई 0.5 के आई, यानी कि इनकी जो है वो ब्राइट फ्रिंज लगातार की वैल्यू क्या हो, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है कम हो रहा है, जो आपको इसी डायग्राम में नजर आप देख पा रहे हो कि जो व्हाइट वाली जो है वो पहली है वो 0.73 यानी कि थोड़ा ज्यादा है, दूसरी वाली जो वो क्या हो रही है 0.5 यानी कि वो थोड़ी सी दूसरी और ब्राइट वो क्या हो रही है थोड़ी कम हो रही है। सिमिलरली हम निकालेंगे डार्क के, डार्क के लिए निकालेंगे तो क्या होगा बीटा और डार्क फर्स्ट टू निकाल के निकालेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ पे टू रखेंगे तो क्या होगा 4 यानी कि रूट 4 के माइनस, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या होगा रूट 2 के होगा, और इसका जो बीटा बी 1 जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 2 माइनस रूट 2 और के, 2 और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.44 होती है, और यहाँ पर के जो वैल्यू कितनी आ रही है लगभग, ये लगभग वैल्यू आएगी 0.66 के आसपास, 0.66 के आसपास वैल्यू आएगी। सिमिलरली अपन सेकेंड निकालते हैं, सेकेंड फ्रिंज निकालते हैं, वो क्या होगा बीटा डी सेकेंड क्या होगा एक्स थ्री माइनस एक्स टू, यानी कि तीसरी वाली डार्क फ्रिंज से दूसरी वाली डार्क फ्रिंज का बीच का अंतर, तो वो क्या होगा यहाँ पे 3 रखने पे क्या होगा 6 होगा, यानी कि रूट 6 माइनस और ये रूट 6 के माइनस एक्स टू के लिए क्या होगा यहाँ पे रूट 4, रूट 4 के, यानी कि आप बीटा डी टू क्या लिखोगे, वो लिखोगे
यहाँ पे रूट सिक्स जो होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू मल्टीप्लाई थ्री, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ रूट सिक्स माइनस टू और जो के, यहाँ पर जो रूट सिक्स की जो वैल्यू आएगी वो और कम आएगी, यानी कि वो लगभग 2 पॉइंट के आसपास आएगी, कुछ आएगी 2.45 के आसपास आएगी, यानी कि 2.45 माइनस टू और के, और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0.45 के। आप लोग नोटिस कर रहे हो कि डार्क फ्रिंज भी लगातार कम हो रही है, ये वैल्यू एक्जेक्ट नहीं है, मैंने बस केवल एज्यूम किया है कि लगभग इसके नियर आएगी, तो आप देख रहे हो कि डार्क फ्रिंज में भी क्या हो रहा है, गिरावट हो रही है। ये ठीक उसी डायग्राम में दोबारा देखिए, डार्क फ्रिंज भी लगातार गिर रही है, यानी कि इनकी जो वैल्यूज है वो लगातार गिर रही है, थर्ड के लिए और गिरेगी, यानी कि जो हमारा डायग्राम में जो शो हो रहा है एग्जैक्ट वही हमें मैथमेटिकली मिल रहा है। इस प्रकार फ्रेजनल ने जो है वो फ्रिंज विड्थ को दिखा करके शो किया, जो कि मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों रिजल्ट मैच खा रहे हैं। थैंक यू।